एक बार लाडो चिड़िया बैठ के सोच रही थी, हाय राम, इतनी बारिश हो रही है, मेरी तो सारी ही फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? सोचते सोचते उसको ध्यान आया, क्यों ना मैं कोई दूसरा काम करूं जिससे मेरे बच्चे अच्छे से पालूं। उसने बैठे बैठे सोचा कि मैं है ना फलों का व्यापार करती हूँ, जिससे मुझे आमदनी भी अच्छी हो और फसल से मेरी फसल को बारिश से मेरी फसल को नुकसान भी ना हो। तो उसने फलों का व्यापार शुरू कर दिया। पहले दिन तो उसके पास कोई ग्राहक ही नहीं आया। वो चिंता में बैठी रही कि हाय, अगर एक भी फल नहीं बिका तो मैं अपने बच्चों को क्या खाना खिलाऊंगी। वो इसी चिंता में बैठी रही, बोली थी, हे भगवान, आप किस कर्मों का मेरे से सजा दे रही हो इतनी देर में। काला कौवा वहाँ आया। वो काले कौवे को देखकर बहुत खुश हुई। अरे टुन्नी चिड़िया, तुमने नया व्यापार शुरू कर दिया। हाँ काले कौवे भैया, ज़्यादा बारिश हो गई तो मेरी फसल सारी बर्बाद हो गई, इसलिए मैंने फलों का व्यापार शुरू किया है। लेकिन क्या करूं, आज कोई ग्राहक ही नहीं आया, मैं अपने बच्चों को क्या खाना खिलाऊंगी। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए सब पक्षियों को लेके आऊंगा, तुम्हारे सब भीग जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर काला कौवा वहां से चला गया और टुन्नी चिड़िया वही चिंता में बैठी रही। फिर उसके बच्चे आ गए। माँ माँ, क्या कर रही हो आप, आज कुछ फल बिके? उसके दोनों बच्चे उससे पूछ रहे हैं फल बिके या नहीं। फिर वो बताते हैं, नहीं बच्चों, आज तो एक भी फल नहीं बिका, लेकिन मेरे पास, तुम चिंता मत करो, मेरे पास घोंसले में कुछ अनाज रखा है जिससे खा हम तीनों मिलकर खा लेंगे। फिर वो घोंसले में आ जाते हैं और अपने बच्चों के आगे अनाज रख देती है। फिर वो सोचती है, कितने से अनाज से मेरे बच्चों का पेट तो नहीं भरेगा। कोई नहीं, इनका पेट भरने दो, मैं भूखी सो जाऊंगी, पता नहीं ये बारिश भी कब रुकेगी। जो कुछ बची कुची थी मेरी फसल, वो भी बर्बाद हो गई। इतना सोचते सोचते टुन्नी चिड़िया सो गई। फिर वो उठ के सोचने लगी, अगर कल भी कोई फल नहीं बिका तो मैं अपने बच्चों के लिए अनाज कहाँ से लेके आऊंगी। फिर अगले दिन फिर से वो शॉप खोलती है फलों की, कि कोई ग्राहक ही आ जाए, उसके फल बिक जाए। ऐसे के बोलते बोलते मुन्नी चिड़िया वहाँ आती है। अरे टुन्नी बहन, तूने नया बिजनेस शुरू कर लिया? हाँ बहन, मैंने फलों का नया बिजनेस शुरू कर लिया। तू बता तुझे क्या चाहिए? बहन मुझे कुछ फल दे दे, अंगूर दे दे, क्या क्या फल है तेरे पास, थोड़ा थोड़ा करके मुझे सभी दे दे, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे। अच्छा बहन, थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, अंगूर भी है, ब्लूबेरी भी है, और उसके बदले में तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। ठीक है, थोड़े थोड़े सारे फल ले गई वो। मुन्नी चिड़िया ने उसको अनाज दिया। देखते देखते और पक्षी भी आ गए, उल्लू आ गया, टुनटुनी चिड़िया आ गई, और उसके पास ढेर सारा अनाज हो गया। वो सोचने लगी, अच्छा हुआ मेरे सारे फल बिक गए, आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, और मेरे पास तो गेहूँ के दाने भी बहुत सारे हो गए, बहुत अच्छा बिजनेस रहा। फिर उसके पास काला कौवा आता है। टुन्नी बहन, कैसा रहा तुम्हारा बिजनेस? कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी हेल्प की। उन दोनों की बातें ऊपर बैठी चील भी सुन रही थी। वो चील जलने लगी टुन्नी चिड़िया की कामयाबी से। वो सोची कि कैसे इसका बिजनेस मैं बंद करूं, आखिर ये मेरे इलाके में आ ही कैसे गई, ये तो इलाका मेरा है, इसको चलो सबक सिखाती हूँ मैं। अगले दिन टुन्नी चिड़िया ने भी अपने फलों की दुकान खोली और उसके बिल्कुल सामने चील ने भी अपने फलों की दुकान खोल ली। टुन्नी चिड़िया बैठ के सोच रही थी, अब दो दुकानें हो गई,
अब मेरा कैसे बिकेगा, फिर मेरे पास अनाज कम रह जाएगा।